नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है। ट्रंप के कान पर गोली लगी, यह गोली ट्रंप के सिर पर भी लग सकती थी। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मौके पर ढेर कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमले की तस्वीरें जिसने भी देखी उसे यकीन नहीं हो रहा है। चुनावी रैली में ताबड़तोड़ गोलियां चली और एक गोली ट्रंप के कानों को छूती हुई निकल गई। इस जानलेवा हमले में उनकी जान बाल बाल बच गई। लेकिन पेंसिल्वेनिया की रैली में हुई यह घटना तमाम सवाल भी खड़े कर गई है। कुछ गवाहों ने बताया है कि उन्होंने हमलावर के बारे में सीक्रेट सर्विस को चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिरकार सुरक्षा में चूक हुई है या फिर ये एक साजिश को अंजाम दिया गया है, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। कैसे हमलावर ट्रंप की चुनावी रैली के इतने करीब हथियार लेकर पहुंच गया। कैसे ट्रंप के सुरक्षा घेरे में तैनात एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा US सीक्रेट सर्विस का होता है। US सीक्रेट सर्विस के एजेंट हर पल पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा में तैनात होते हैं। वो जहां भी जाते हैं सीक्रेट सर्विस के एजेंट उनके साथ साथ रहते हैं। ऐसे में ट्रंप पर हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है तो कैसे उन पर गोली चली। क्या उन पर किसी साजिश के तहत हमला किया गया है। महज 100 मीटर की दूरी से कैसे एक शूटर ने ट्रंप को निशाना बनाया। इस दौरान सीक्रेट सर्विस क्या कर रही थी। छत से यदि निशाना बनाया गया तो उसके एजेंट क्या कर रहे थे। रैली के आसपास की बिल्डिंग की छतों पर सीक्रेट सर्विस क्यों नहीं मुस्तैद थी। सवाल कई हैं और FBI सहित कई अमेरिकी एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी है। FBI हमले और हमलावर से जुड़ी सभी जानकारियां जुटा रही है। हमलावर के कितने सहयोगी थे इसकी भी जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका ऐसा देश है जहां पहले ही बड़ी राजनीतिक हत्याएं हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति नहीं है जिनके इस तरह से हत्या की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा, अपने मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूँ। घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिजनों, घायलों और अमेरिकी जनता के साथ है। PM मोदी ने ट्रंप पर हुए अटैक की कड़ी निंदा की है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।